आप ये खा लिया, ये छिलके ले लिए, तो इसका अचार गाल लूंगी। इसकी लंबी लंबी फाड़ छिलका सुधा और एन एन काट की और उबाल लूंगी, इन उबाल की और कपड़ा सुखा दूंगी इस तरह। इस तरह इन्हें पानी में उबाल लूंगी, उबाल के सुखा दूंगी छिलका समेत लिए इसे, उनका अचार गाल लूंगी। ये देखो तरबूज खा की और ये छिलका उबाल लिए थोड़े ही, उबाल के न कपड़ा पर सुखा दिए, इनका इस तरह पानी मर जाएगा इस तरह। ये भी इसने इसका अचार तैयार करूँ, तो इसमें थोड़ी सी सूप डाल दी, सूप डाल दी और या थोड़ी सी राई डाल दी और या थोड़ी सी मेथी डाल दी और ये भी इसमें नमक हल्दी दी हल्दी गिर दी और या मिर्च गिर दी आवश्यकता अनुसार और ये धनिया गिर दिया या कलंजी गिरी नमक और जो नमक डाल दिया। सारा मसाला तैयार हो गया और ये भी यूस है सरखा, तो इसमें एक चमची सरखा ही गिर दूंगी, एक डक्के तरबूज का अचार खट्टा हो जाएगा, कलंजी तर और इसते खटास आ जाएगा। और इसमें थोड़ा सा गिर दूंगी तेल, ये मसाला मिल जाए और इसमें चमची तय मिला दूंगी इस तरह, बहुत बढ़िया खट्टा मीठा का लगेगा, खट्टा मीठा गल की बताऊंगी तमें। इस तरह इस मसाला में तैयार करें, इनका पानी सुखा ले जमा अच्छी तरह और पानी सुखा की फिर डिब्बे में गाल ले, एक बार गाल के देखियो खा के फिर बताइयो, लाइक और शेयर करियो, कमेंट करके बताइयो किसा का लगे। इसने अच्छी तरह मसाला मिला के इसमें गाल दी, ये दाम रखड़ लूँगी इस तरह। इस डिब्बे में गाल दूंगी, ज्यादा ना गालियो, कन्नू खराब कर दिया हाँ, तो ये आप काम में ले सका इस तरह। गाड़ी गाड़ी में मना के और ये बीच ने इस तरह ला दी, दो दिन में रोज की इसने अलंदा रहे, बहुत बढ़िया और मस्त अचार तैयार हो जाएगा।